हेलो फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा इशू है जिसके ह्यूमनिटी पे बहुत से ख़तरनाक इम्प्लीकेशंस हैं। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन एक 15 साल की छोटी सी बच्ची की एक कोशिश ने क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अवेयरनेस और डेडिकेशन पैदा की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेटा थनबर्ग की लाइफ और उसकी जो क्लाइमेट चेंज मूवमेंट है उसको एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो कि 3 जनवरी 2003 में पैदा हुई। वो तभी मशहूर हुई जब 2018 में 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्कूल छोड़कर स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसने एक कार्ड उठाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट चेंज, ताकि वो स्वीडिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके कि वो जो भी पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड में कार्बन एमिशन गोल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी अचीव करें। उसकी इस छोटी सी कैंपेन का पूरी दुनिया में ग्लोबल इफ़ेक्ट हुआ, जिसने पूरी दुनिया में हज़ारों नौजवानों को इंस्पायर किया ताकि वो भी क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ अपनी ऐसी स्ट्राइक्स कर सकें। दिसंबर 2018 तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसकी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया अपना स्कूल छोड़ के। थनबर्ग का एक्टिविज़म तभी शुरू हुआ जब उसने अपने पेरेंट्स को इस बात पर आमादा किया कि वो ऐसा लाइफस्टाइल गुजारेंगे जिससे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी मदर एक ओपरा सिंगर थी जिसको वेरियस कंसर्ट्स में शिरकत करने के लिए एयरलाइंस का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन ग्रेटा ने उसको इसी बात पर आमादा किया कि एयरलाइन से भी ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज होता है तो आप इसको यूज़ ना करें। इसी तरह से मई 2018 में थनबर्ग ने एक ऐसे कंपटीशन जीता जिसका टॉपिक था क्लाइमेट चेंज, जो कि एक स्वीडिश न्यूज़पेपर ने अरेंज किया था। और उसी ऐसे के एक पार्ट में ग्रेटा ने लिखा कि आई वांट टू फील सेफ, हाउ कैन आई फील सेफ व्हेन आई नो वी आर इन ग्रेटेस्ट क्राइसिस इन ह्यूमन हिस्ट्री। उसका इनिशिएटिव स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट वो एक चंद सालों में इंटरनेशनल मूवमेंट बन गई जिसको हज़ारों स्टूडेंट्स ने ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन किया और वो यूजुअली फ्राइडे को अपनी क्लासेस स्किप करके क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोटेस्ट करते थे और गवर्नमेंट से यही डिमांड करते थे कि वो क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए एक्शन लें और फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें। 2019 में ग्लोबल वीक फॉर फ्यूचर एक 4500 स्ट्राइक्स की एक सीरीज थी जिसमें 150 कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये तारीख की सबसे बड़ी क्लाइमेट स्ट्राइक्स थी जिसमें 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और उसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो थे वो स्कूल चिल्ड्रन थे। ग्रेटा थनबर्ग का ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमनिटी के जो इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस है उसको ख़तरा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंसान ज़ात है वो कुछ ही सालों में जो है वो अर्थ से ख़त्म हो सकती है। और उसका ये भी मानना है कि उसकी जो यंग जनरेशन है उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनका फ्यूचर चंद डॉलर्स की एवज बेचा गया है। मैड्रिड में 2019 में उन्होंने एक तकरीर के दौरान वर्ल्ड लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वी टॉक अबाउट अवर फ्यूचर, दे टॉक अबाउट देयर प्रेजेंट। उसका ये मानना है कि कार्बन इमिशंस को 2030 या 50 तक कम करने से मसला हल नहीं होगा, कार्बन इमिशंस को जो है वो इंस्टेंटली ज़ीरो किया जाए ताकि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है या ग्लोबल टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहे। 2019 में ग्रेटा थनबर्ग अटलांटिक ओशन के अक्रॉस सेल करके न्यूयॉर्क पहुंची यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और इसी कॉन्फ्रेंस में उसने अपनी मोस्ट फेमस स्पीच की जिसमें उसने वर्ल्ड लीडर्स को क्रिटिसाइज़ किया कि वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ वो जो है वादे ही कर रहे हैं। You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. March 2019 में ग्रेटा थनबर्ग को स्वीडिश वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, जो कि ऐसी स्वीडिश औरतों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी एकॉम्प्लिशमेंट से पूरी दुनिया में स्वीडन का नाम रोशन किया हो। अप्रैल 2019 में टाइम 100 की जो मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की पर ईयर लिस्ट आती है उसमें भी ग्रेटा थनबर्ग का नाम था। 2019 में उसका नाम नेचर्स 10 लिस्ट में भी आया, जो कि एनुअली ऐसे 10 लोगों की लिस्ट पब्लिश की जाती है जिनका साइंस में बहुत ही बड़ा इम्पेक्ट होता है। 2019 में ग्रेटा थनबर्ग का नाम
फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में भी आया था। ग्रेटा थनबर्ग को क्लाइमेट एक्टिविस्ट, पब्लिक फिगर्स और साइंटिस्ट ने बहुत सपोर्ट किया है। ब्रॉडकास्टर और नेचुरलिस्ट सर डेविड एटनबोरो के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग ने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें अचीव की हैं जो कि बहुत सारे लोग अचीव करने में नाकाम रहे, और उसके मुताबिक यू हैव अराउज्ड द वर्ल्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। प्रिंस हैरी ने भी ग्रेटा थनबर्ग की कैंपेन की बहुत ही खुल के तारीफ की और कहा कि एवरी कंट्री, एवरी कम्युनिटी, एवरी स्कूल, एवरी फ्रेंडशिप ग्रुप, एवरी फैमिली नीड्स। फ्रेंड्स, ये थी ग्रेटा थनबर्ग की लाइफ और उसका क्लाइमेट चेंज अगेंस्ट एक्टिविज्म है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।